दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपीपीएससी ओटीआर के बारे में। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यूपीपीएससी ओटीआर को लेकर के कन्फ्यूजन में है कि ये क्या है, क्यों करना है, क्या इसको 31 मार्च के पहले करना है या बाद में भी हो जाएगा। कुछ ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हम कैसे ओटीआर का फॉर्म भरे, नहीं तो बाद में हम संशोधन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको मैं ऑफिशियल नोटिस भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, क्योंकि कुछ ऐसे साथी हैं जिनको लगता है कि सारी चीजें मैं फर्जी बता रहा हूं, उनको किसी बात पर यकीन नहीं होता है। कहते हैं ऑफिशियल साइट पर कहां पर है, आप हमें बताइए या नोटिस दिखाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको नोटिस भी मैं दिखाऊंगा, और एक एक नहीं दो दो नोटिस में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसके साथ ही केवीएस फाइनल आंसर की को लेकर के अपडेट है और आधार पैन कार्ड को लेकर के भी बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आप ये नोटिस देखिए जो कि लोक सेवा आयोग की तरफ से 5 जनवरी 2023 को जारी की गई थी। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 3 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन करने के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण यानी ओटीआर, जिसको बोला जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, तथा आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ओटीआर का सिंपल सा मतलब ये है कि एक तरीके से आपका बायोडाटा जो है अपलोड करना है वेबसाइट पर, ओटीआर की वेबसाइट पर, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, आपकी फैमिली की डिटेल्स, आपकी एड्रेस डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपकी एक्सपीरियंस की डिटेल्स, यानी ए टू जेड आपसे संबंधित सारी डिटेल्स वहां पर अपलोड होंगी। और जैसे अपलोड हो जाएंगी, फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद आपको एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ओटीआर नंबर मिल जाएगा। और जैसे आपका ओटीआर नंबर मिल जाता है, उसके बाद क्या होगा, जब भी कोई भर्ती का फॉर्म आएगा तो सिर्फ आपको ओटीआर नंबर वहां पर डालना होगा और पूरा भरा भराया आपका फॉर्म आ जाएगा। कुछ स्पेसिफिक चीजें रहेंगी जो हर विज्ञापन में चेंज होती रहेंगी, वही आपको भरना रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं भरना रहेगा, क्योंकि सारी डिटेल से पहले से वो फेच करके लेकर के आ जाएगा, ठीक है। और ओटीआर जो 1 अप्रैल 2023 से आयोग कंपलसरी कर रहा है, तो इसको भरना सभी छात्रों को जरूरी है, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो, लेकिन आप यूपीपीएससी के थ्रू अगर फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तभी ओटीआर आपको वहां पर काम में आएगा। अगर आप किसी ऐसी भर्ती की तैयारी करते हैं जिसका विज्ञापन यूपीपीएससी के थ्रू नहीं आता है, तो ओटीआर भरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से आना है तो आपको ओटीआर भरना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप एलटी गेट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या और भी बहुत सारी भर्तियों के फॉर्म लोक सेवा आयोग से आते हैं, तो सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग का ओटीआर करना जरूरी है। यही सारी बातें यहाँ पर देखो मेंशन की गई है। और यहाँ पर नीचे दूसरे पेज में आओगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उपरोक्त ओटीआर के आधार पर 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक रूप से अधिक अभ्यर्थी इस पर रजिस्ट्रेशन करें, जिससे आने वाले टाइम में जो भी विज्ञापन आएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखो लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी सभी प्रकार के विज्ञापनों में ओटीआर अनिवार्य होगा, ठीक है। और ये जो नोटिस है आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसको आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब ये दूसरी नोटिस यहाँ पर देख लो, ये दूसरी नोटिस है 16 फरवरी 2023 की, और यहाँ पर भी देखो बताया गया है कि दिनांक 5 जनवरी 2023 द्वारा लोक सेवा आयोग में आवेदन करने के लिए ओटीआर की सूचना दी गई थी, ठीक है, जिसके पूर्ण करने के लिए यहाँ पर 31 मार्च 2023 तक समय दिया गया है। और यहाँ पर भी देखो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद आयोग द्वारा जारी सभी विज्ञापनों में ओटीआर अनिवार्य होगा, ठीक है। तो दो नोटिस मैंने आपको दिखा दी, अब आपका काम है भाई ओटीआर भरो ना भरो, वो आपकी हिडक है, मेरी हिडक नहीं है। मेरा काम आपको सिर्फ सूचना देना है,
बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखो, डेट बढ़ने के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये डिसीजन लोक सेवा आयोग लेगा कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। फिलहाल अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी की गई है, 31 मार्च 2023 ही लास्ट डेट है, आप भर दीजिए। हालांकि वेबसाइट काफी स्लो चल रही है, परेशान भी कर रही है, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर डेट बढ़ जाती है तो चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचना दे दूंगा कि डेट बढ़ चुकी है आप, ठीक है, तो सूचना मिल जाएगी। लेकिन अभी संभावित कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, वैसे डेट बढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत सारे साथी अभी तक इसमें ओटीआर का फॉर्म नहीं भरे हैं। अब आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी ओटीआर भर चुके हैं उनका ओटीआर नंबर नहीं आ रहा है, तो ओटीआर नंबर के लिए परेशान ना हो, आप फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। फाइनली ओटीआर नंबर 2-4 दिन में आ जाता था, लेकिन अब समय फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं तो हो सकता है 10 से 15 दिन का भी समय लग जाए, उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लो। ओटीआर नंबर चेक, स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग लॉगिन करेंगे पोर्टल पर, तो वहां पर आपको ओटीआर का स्टेटस दिख जाएगा और वहां पर आपको ओटीआर नंबर भी मिल जाएगा जैसे ही अलॉट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहेंगे तो इसका मैं वीडियो अलग से भी बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग केवीएस को लेकर। केवीएस की तरफ से देखिए आज एक नोटिस जारी की गई फाइनल आंसर की से रिलेटेड। यहाँ पर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए 28 मार्च की डेट में यहाँ पर देखो एक लिंक दिया गया, लिंक फॉर डाउनलोडिंग द फाइनल आंसर की ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और अन्य जो पोस्ट हैं। ये LDCE 2022 एग्जाम को लेकर के फाइनल आंसर की जारी की गई है। जैसे इस लिंक पे क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपके जो भी एग्जाम हुए हैं उसकी आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अलग अलग जो भी एग्जाम उन सबकी आंसर की यहाँ पर अपलोड कर दी गई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको बता दें LDCE एग्जाम की नोटिस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अभी आंसर की नहीं आई है, लेकिन इन आंसर की के आ जाने से चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि फाइनल आंसर की भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली भी जल्दी ही जारी होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड लिंकिंग को लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में। आप लोग जानते हैं इसमें लिंक करने की जो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2023 थी और ₹1000 पेनाल्टी के साथ अभी ये लिंक किया जा रहा है। अब तक देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो अपना जो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करा रखा, लगभग 51 करोड़ जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने अपना लिंक करवा लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तक लिंक नहीं करा पाए। तो आम लोगों को सहूलियत देने के लिए इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। यह नोट आप लोग दे सकते हैं, 28 मार्च को नोटिस जारी की गई है और यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को आधार पैन लिंक करने की जो डेट है अब 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है, यानी 3 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। आप लोग इस निर्धारित समय में जो अपना आधार पैन लिंक कर सकते हैं। अब आधार पैन लिंक कैसे करना है इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ ओटीआर फॉर्म कैसे भरना उसका भी लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके उसको भी देख लेना। अब यहाँ पर देखिए बताया गया पेनाल्टी कितनी लगेगी, यहाँ पर बताया गया अभी जो पेनाल्टी है वो ₹1000 ही लगेगी, इससे ज्यादा अभी नहीं लगेगा, ₹1000 ही आपको देना पड़ेगा 30 जून तक। अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर देखिए बताया गया अगर आप 30 जून तक लिंक नहीं करते हैं तो 1 जुलाई 2023 के बाद आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सहूलियत ये दे दी गई है कि अगर आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाता है तो 30 दिन के अंदर आप इसको ऑपरेटिव कर सकते हैं, मतलब दोबारा से चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ₹1000 की पेनाल्टी है वो देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ये दोबारा से चालू हो जाएगा यानी ऑपरेटिव हो जाएगा, इसकी सूचना आपको आधार कार्ड को देनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें थोड़ी सहूलियत दे दी गई है तो आप लोग फटाफट लिंक कर लीजिए क्योंकि लिंक करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।